स्ट्रॉबेरी मौसमी बहार का खूबसूरत पुरकशिश फल, जिसकी शक्ल कुदरती तौर पर कुछ हार्ड से मिलती जुलती है और कलर भी लाल सा पुरकशिश। क्या आप जो स्ट्रॉबेरी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी का क्या फायदा है? मैं हूं आपका होस्ट वीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्थ टिप्स। स्ट्रॉबेरी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद है। ये हमारे अंदर कुव्वत मुदाफियत को बूस्ट करती है, जिससे हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जो है ताकत बढ़ाता है और बीमारियों का मुकाबला कर सकता है। आंखों की सेहत के लिए मुफीद है स्ट्रॉबेरी, कैंसर के खिलाफ मुफीद है। बढ़ती हुई उम्र के साथ जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसके लिए स्ट्रॉबेरी खाना मुफीद है। इसी तरह खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे दिल और सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, ये उसको कम करने, उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत, कुव्वत बर्दाश्त हमारे जिस्म में पैदा करती है, ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल से हमारे जिस्म को पहुंचने वाले नुकसान कम से कम हों। ये वर्म में कमी लाती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर की सर्कुलेशन को बेहतर करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती, ब्लड प्रेशर को एक सतह पर रखती है। इसी तरह ये जिस्म में फाइबर बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स है स्ट्रॉबेरी। ये इसमें वाफर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो फ्री रेडिकल के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बढ़ाते हैं, दिफाई निज़ाम को ये हमारे जिस्म वाले को मजबूत करती है, जिससे हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। ये विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। ये दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, ये दिल के पट्टों को लचकदार नरम करती है, खून की नालियों में लचक पैदा करती है। डीएनए की तरकीब में स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड अच्छी मकदार में होता है और विटामिन B9 इसमें अच्छा होता है, ये दिल के लिए मुफीद है। इसी तरह दीगर फलों की नस्बत कुदरती तौर पर इसमें शुगर कम होती है। ऐसे लोग जो मोटापा कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुफीद है। स्ट्रॉबेरी 8 हफ्तों तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो शॉर्ट मेमोरी फेलियर का जब प्रॉब्लम होए वो ठीक हो जाता है। ऐसे लोग जिनको शॉर्ट मेमोरी की फेलियर का मसला है, वो स्ट्रॉबेरी को सिर्फ 8 हफ्तों इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी शॉर्ट मेमोरी फेलियर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रॉबेरी ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को मैनेज करती है, कंट्रोल करने में मदद करती है, बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करती है। आंखों के पट्टों, आंखों के लिए और आंखों के पट्टों के लिए मुफीद है। दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें एहतियात सिर्फ इतनी है कि स्ट्रॉबेरी पे आम जिस तरह खुश्क फ्रूट पे फंगल अटैक होता है, इस पे भी होता है, तो जब भी स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करें, इसको बॉयल किए हुए ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएं और ये चेक कर लें कि इस पर फंगस ना हो, फिर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फंगस हमारे जिस्म में पहुंचकर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो स्ट्रॉबेरी पर फंगस होता है, इसको जब भी इस्तेमाल करें तो इसको बॉयल किए हुए ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएं, ये यकीन कर लें, ये जब आप देख लें अच्छी तरीके से कि इस पर फंगस ना हो, फिर इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी का वैसे खाएं, इसका शेक बना के खाएं, स्ट्रॉबेरी का जूस पिएं, ये हर हिसाब से स्ट्रॉबेरी वैसे खाना सबसे ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें फाइबर वाफर मकदार में होता है, विटामिन सी वाफर मकदार में होता है, ये फ्रेशनेस करता है, इंसान को हैप्पी करता है ये फ्रूट। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और स्ट्रॉबेरी का आजकल मौसम है, इस फ्रूट से अपनी सेहत बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे, कोई भी फल जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो रूटीन से हट के इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, ज़रूर राय करें कि अपने डॉक्टर को कहे बगाए मिलते रहा करें अपनी मॉलेज को, और उससे हर नई सब्जी और हर नए फल के बारे में
जो है ना मशवरा करते रहा करें, एडवाइस लेते रहा करें। कोई भी चीज़ डॉक्टर अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल न करें। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ दे और आपको आसानियाँ बढ़ने की तौफीक दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।